नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो में दरअसल वो मामला है वसई पश्चिम की मूसाजी गली की जामा मस्जिद में ट्रस्टियों के बीच विवाद का। इस मामले में कुछ लोग ट्रस्टियों को हटाने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो उनका पूरा वीडियो मैंने इसके आगे वीडियो में लगाया हुआ है। उसमें उन लोगों ने क्या कुछ कहा आपने वो सुना है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा कर्तव्य है, दायित्व है कि मैं दूसरे पक्ष की भी सुनूं। इसीलिए मैंने जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस मूसाजी गली जामा मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टी चेयरमैन नासिर शेख से फोन पे बात की और उनका पक्ष जानना चाहा। तो उन्होंने अपने 10-11 मिनट के ऑडियो रिकॉर्डिंग में फोन पे बातचीत में क्या कुछ कहा वो आप आगे सुनिए। हालांकि पूरी तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए अपने विरोधी, एक माने में कह सकते हैं कि विरोधी के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर लगते हुए आरोप को वो खारिज पूरी तरह से नहीं कर पाए। और ना ही उनकी बातों से ऐसा है एहसास हुआ कि वो ये चाहते कि ट्रस्ट को हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अभी भी मामला खड़ा हुआ है। दोनों पक्ष अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। अब इस मामले पे क्या कुछ होगा वो आगे भविष्य में ही देखा मालूम पड़ेगा। तो आप आगे वीडियो में सुनिए हमारी नासिर शेख से बातचीत जो हुई उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हेलो हेलो, फोन किया था आपने? कौन, नासिर जी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं डॉक्टर नासिर शेख बोल रहा हूँ। हाँ नासिर शेख भाई, यूसुफ अली बात कर रहा हूँ, पत्रकार स्वतंत्र सागर पेपर और सैफ न्यूज लाइव चैनल से। जी जी बोलिए। एक्चुअली मैं मस्जिद के इधर आया था, मस्जिद के इधर कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो आपका प्रतिक्रिया मेरे को लेना था कि इस मामले में आपका क्या कहना है। लेकिन इस वक्त तो मैं आपका जो फोन आया ना, मेरा एक मैटर था ट्रस्ट का मंत्रालय में। जी, उसके लिए मेरी वहाँ 2 बजे की हेयरिंग थी। जी जी। तो वहाँ से अभी मैं निकला बाहर जी, तो आपका फोन था, मैंने कहा पहले आपको फोन कर लूँ। तो जी, तो आप जो परिस्थिति में रहेंगे ठीक है, तो वही है कि मेरे को आप अगर फोन पे भी प्रतिक्रिया देते हो तो मेरे को आपका साइड सुनना था। हाँ हाँ, तो क्या फोन ही पे आप लेंगे? हाँ फोन पे लूंगा ना, अभी आप दूर है, लंबे है। तो जी मेरा सवाल क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ट्रस्ट के खिलाफ कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ट्रस्ट में काफी सालों से बहुत अनियमितताएं चल रही, तो उस पर आपकी क्या कहना है? आपका क्या चल रहा है? अनियमितताएं चल रही ट्रस्ट में, बराबर नहीं, जो घोटाला चल रहा था आपके ऊपर और ट्रस्ट के ऊपर आरोप लग रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको पहला तो आरोप, हाँ जी 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 बोलिए। हाँ, जो भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगाने वाले को पहले वो सिद्ध करना है कि क्या किस किस्म के आरोप हैं। हमारा ट्रस्ट जो है वक्फ बोर्ड से रजिस्टर है, अकाउंट के मामले के अंदर ऑडिट एवरी ईयर हमारी सबमिट होती है, ट्रस्ट के जो भी प्रॉपर्टी के मैटर्स है वो कोर्ट में चल रहे हैं। अभी जिन्होंने आरोप लगाया है या आज उन्होंने जो भी हंगामा किया है उसके तो मुझे कोई जानकारी नहीं। अगर जानकारी होती, कल पुलिस ने मुझे बुलाया था जी, और उन्होंने, हमारा एक ट्रस्टी ने कुछ गफला किया है, ट्रस्ट का मालमत्ता वगैरह बगैर ट्रस्ट के परमिशन के और वक्फ बोर्ड के परमिशन के उसने बेच दिया है, तो उसके मैंने FIR किया हूँ, FIR के लिए एप्लीकेशन किया हूँ, और उसी सिलसिले में कल मुझे पुलिस ने बुलाया था जी, और इंस्पेक्टर जगताप के सामने मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया हूँ। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ऐसी है कि ये राजनीतिक दल जो है सलीम खेमानी, जो कांग्रेस माइनॉरिटी का है, वो मजहबी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है, चाहे उसकी एप्लीकेशन कल हम लोगों ने देखा पुलिस में। तो ये हमारा अदारा जो है एक रिलीजियस अदारा है, एक ट्रस्ट मजहबी अदारा है, और मजहबी अदारे के अंदर ये लोग सियासत को लाना चाहते हैं। और जो भी लोग हैं वो हमारे मस्जिद के मुसल्ली अगर हैं तो उनको मालूम होगा कि हर साल बराबर हमारा ऑडिट होता रहता है, ट्रस्ट का जो भी व्यवहार है वो बराबर चल रहा है। फिर उनको किस किस्म का क्या गफला लग रहा है या किस किस्म के उनके आरोप है, तो आरोप ट्रस्ट को अगर वो लिखते हैं या ट्रस्ट को देते हैं तो ट्रस्ट उसका सामना करके उनको रिप्लाई देगा। नहीं, उनका ये भी कहना था, अपने आरोप में उनके बयान में उन्होंने ये भी कहा
कि कोई मतलब खास करके उन्होंने पॉइंट आउट करके बोला है कि किसी तरह की कंप्लेन उनकी सुनी नहीं जाती, यहाँ तक कि वो अगर रिटर्न में भी कंप्लेन देते हैं तो उसको भी इग्नोर किया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है भाई? देखिए, अगर कंप्लेन वो देते हैं तो उनकी कंप्लेन कैसी रहती है? कंप्लेन उनकी ये रहती है कि हमको ट्रस्टीशिप मिलो, लेटर में हमको ट्रस्टीशिप मिलो, हमारी को गवर्नमेंट से कोर्ट से डिसाइड हुआ है, हमारी स्कीम है गवर्नमेंट की और स्कीम के अंदर हमारे 5 ट्रस्टीज है, 5 ट्रस्टी में से किसी भी ट्रस्टी को हमको हटाने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी दूसरे ट्रस्टी को लेने का अधिकार हमको है। हाँ, अगर कोई जगह खाली होती है तो हम उनको ले सकते हैं। अब उनको ट्रस्टी में आना है, अब जो नौजवान लड़के है वो ट्रस्टीशिप में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप ट्रस्ट के साथ में मिलकर काम करिए। आप पहले ट्रस्ट को समझिए, ट्रस्ट के साथ में, ट्रस्ट का आज इतना माल मत्ता है, ट्रस्ट की इतनी प्रॉपर्टी है, इसको देखने वाला, इसको संभालने वाला, आप लोगों को जानकारी कुछ नहीं है और आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि हमको ट्रस्टीशिप में लो। तो ये जो किस्म का मामला है ये ऐसा है कि ये कोर्ट के जरिए हमसे कोई अगर ये कहेगा कि भाई आप छोड़ दो तो छोड़ने का, इसके पहले भी 2004 के अंदर भी यही हुआ था, हमारे ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन वो इस्तीफा माना नहीं जाता है क्योंकि ऑलरेडी स्कीम हमारी डिसाइड हो चुकी है, उसके लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए था, आगे कोई हाईकोर्ट गया नहीं। क्या तो ये अली भाई, ये चीजें जो है वो चलती रहती है और अभी अब की बार जो मामले हमारे वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहे हैं औरंगाबाद के अंदर, मैटर वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर, बाजू में आपने देखा होगा उन्होंने बिल्डिंग का भी आरोप लगाया होगा, मस्जिद की जगह में बिल्डिंग बनी है। मैं इस पॉइंट पर आने वाला था कि मस्जिद की जगह में बिल्डिंग का आरोप तो आप बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि मस्जिद का ही जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो इतने सालों से पेंडिंग है, उसको आपने या आपका नाम लेके कि आपने नहीं बनाने दिया है, तो ये सब उनका आरोप है। हाँ सही है। देखिए 2004 के अंदर चैरिटी कमिश्नर था, चैरिटी कमिश्नर के अंदर मैटर पे स्टे हो गया था ट्रस्ट के टोटल वर्क पे काम पर, जब वह हो गया तो उसके बाद में 2006 के अंदर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, वक्फ बोर्ड गठन होने के बाद 2009 में हमारा ट्रस्ट वक्फ में चला गया और वक्फ में जाते ही हमारे ऊपर 2010 के अंदर वापस स्टे के लिए मैंडेटरी इंजेक्शन वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर फाइल कर दिया गया और वो मैटर 2019 के अंदर डिसाइड हुआ है ट्रस्ट के साइड में। यानी जितने एलिगेशन आज ये लगा रहे हैं ये 2004 के अंदर भी यही एलिगेशन हमारे ऊपर थे जो कि हमारे फेवर में कोर्ट ने, 3 जजेस की बेंच है वहां पे और वहां हमारे फेवर में मैटर डिसाइड हो गया है। अब 2019 के अंदर और 20 के अंदर ये लग गया लॉकडाउन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन काम हमारा हो नहीं रहा था। हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा मस्जिद को, मस्जिद का रिपेयरिंग का काम पहले हमने शुरू किया, अभी रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हुआ है हमारा, उसके बाद में अगर आगे का जो भी हमको काम करना है तो इन लोगों ने एक बवाल खड़ा कर दिया, समझ रहे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, जो मामला है वो लीगली वजह से रुका हुआ है, मस्जिद खड़ी हो गई, मस्जिद पुरानी मस्जिद तोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह नई मस्जिद तामीर हो गई है, अब ऊपर का स्ट्रक्चर जो बनने वाला था उसको इन लोगों ने स्टे करने की वजह से वो रुका रहा। 2004 से लेके 2019 में मैटर डिसाइड हुए हमारे, यानी वो भी क्या था मालूम है आपको, ये बताऊं कि इन्होंने मैंडेटरी इंजेक्शन मांगा था डिमोलिशन करने के लिए, मस्जिद को तोड़ो, कब्रिस्तान को तोड़ो, ईदगाह को तोड़ो, मस्जिद की बनी हुई बिल्डिंगों को तोड़ो, ये जो मामला था अल्लाह के घर के मिल्कियत को नुकसान पहुंचाना। अरे भाई डॉक्टर नसीर को आप नुकसान पहुंचाइए, डॉक्टर नसीर के हाथ पैर को आप काट दीजिए, डॉक्टर नसीर अपाहिज हो जाएगा, एक बात अलग है, लेकिन अल्लाह के घर की मिल्कियत वो अल्लाह की मिल्कियत है, आवाम के पैसों से बनी हुई मिल्कियत है वो, आप उसको तोड़फोड़ करना चाहते हैं, क्या मकसद हो गया? आप वही चीज अभी दोबारा खड़ा किया इन लोगों ने। आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगाया कि आपने दरगाह तोड़ दी। भाई देखिए, मैंने दरगाह तोड़ा या जो भी तोड़ा, कब्रिस्तान के अंदर वो दरगाह नहीं थी बल्कि एक कब्र थी और वो भी भिवंडी के हैं डॉक्टर मोमिन सलीम, उनके चाचा की कब्र थी जो कि मस्जिद के बाजू में जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर वो रहते थे। वो जब वो यहाँ से फैमिली गई तो उन्होंने मस्जिद की वो जो जगह है मस्जिद को वक्फ कर दिया और उनके भिवंडी जब चले जाने के बाद में वो डॉक्टर सलीम उनके पिताजी के साथ में वसे कब्रिस्तान आते रहते थे और उन्होंने मेरे को 2017 में एक पत्र दिया, लेटर दिया था कि मेरे चाचा की जो कब्र है वो पक्की है, वो लोग अहले हदीस हो गए, पहले बरेलवी थे, अहले हदीस हो जाने की वजह से वो पक्का स्ट्रक्चर उन्होंने तोड़ने के लिए मुझसे कहा तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा भाई रहन दो, हमको क्या तकलीफ, इतना बड़ा कब्रस्तान है 7.5 एकड़ का, तो क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिक खुद ही टूट गई थी, वो झाड़ वगैरह बड़े बड़े पेड़ आ जाने की वजह से वो टूट गया,
टूटने के बाद में ये हुआ कि जब महानगर पालिका से मैंने 17 लाख रुपए का काम शुरू किया तो वो उसके बाजू से एक पाइवट रोड जा रहा था, मिनी रोड, तो वो मजदूर लोग जब काम कर रहे थे, पत्थर वगैरह बिछा रहे थे, तो कब्र का एक पक्का हिस्सा जो टूट के आगे आ गया था, तो मैंने मेरे स्टाफ से कहा था कि भाई उसको बाजू में कर दो। तो जेसीबी काम कर रहा था तो हमारे स्टाफ ने क्या किया, वो पंजे से उसको बाजू सरका दिया। अब इन लोगों को एक बहाना चाहिए था, उन्होंने ये बता दिया कि कब्रिस्तान के अंदर दरगाह थी, डॉक्टर नसीर ने दरगाह तोड़ दिया। पहले तो उन्होंने हमारे स्टाफ के ऊपर FIR करने की कोशिश की, लेकिन जब देखा यार ये तो ये मुलाजिम आदमी है, ये चला जाएगा, तो इन्होंने सेक्शन 295 के तहत मेरे ऊपर उन्होंने आरोप किया और मुझ पर FIR की। FIR के बाद में मैटर हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने क्लियरली दे दिया कि मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर कब्र खोदी जाती है और कब्र दूसरी दफनाई जाती है, और ये ट्रस्ट के चेयरमैन है, चेयरमैन की हैसियत से इन्होंने जो भी किया है वो दुरुस्त है, सेक्शन 295 जो लगाया गया है वो गलत है। ये साम्राज्य जज जो है उनका ये जजमेंट है, ऑर्डर है। तो एक्चुअली वो जो थी, आप खुद देख सकते हैं, वो कब्र आज भी मौजूद है, लेकिन इनका बोलना क्या था, हमको यहाँ मजार बना के दी जाए, यहाँ पे हमको कमरा बना के दी जाए, डोम बना के दी जाए, मीनार बना के दी जाए, ताकि ये लोग चरस, गांजा, शराब, अफीम का सब कारोबार कब्रिस्तान में कर सकते, जैसे कि और कब्रिस्तानों में होता है। पहले अपने यहाँ पे भी हाथी मोहल्ला कब्रिस्तान, कोलीवाड़ा कब्रिस्तान में भी ये होता था। जब से मैंने वॉल कंपाउंड कर लिया उसके बाद में सारी चीजों को बंद करवा दिया मैंने। और दूसरी चीज, मैंने ये मैटर को वक्त ट्राइब्यूनल के अंदर औरंगाबाद में फाइल किया, इन्हीं लोगों के खिलाफ जो आज आरोप लगा रहे, इन लोगों ने औरंगाबाद ट्राइब्यूनल के अंदर हाजिर होकर इन्होंने एफिडेविट फाइल किया कि कोई दरगाह नहीं थी, कोई कब्र, वो ये नहीं था, वो कब्र थी, और उसके ऊपर कोर्ट ने इनको मनाई हुक्म दिया है कि कब्रिस्तान के अंदर जाके कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन करने का नहीं और कोई आतंक करने का नहीं। वही लोग है, सलीम खेमानी वगैरह 6-7 लोग है जो इन्होंने आपके सामने बयान दिया है कि मैंने दरगाह तोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह तोड़ने का सवाल ही नहीं, तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जो भी है सब कब्रें हैं। एक आखिरी सवाल जी, आपने भी इतनी बात बोली और आपका भी मैंने पक्ष सुना, लेकिन आपके ही ट्रस्ट के एक मेंबर जिनका कुछ नाम याहया बताया गया है, वो भी थे, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि आप ट्रस्ट की भी नहीं सुनते और अपनी मनमानी चलाते, उनका ये ऐसा आरोप था। उनका इस वक्त तो उनके ऊपर जो उन्होंने माल बेचा है ट्रस्ट का, उनके ऊपर FIR के लिए तैयारी चल रही है और पुलिस इंशाल्लाह जल्द उन पर FIR करने वाली है। और वो इस वक्त जो खिलाफ बोल रहे हैं इसी वजह से वो कह रहे हैं कि लोगों को और वो जमा करके ट्रस्ट के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जाए और ट्रस्ट को ब्लैकमेल किया जाए, लेकिन ये मैटर जो है वक्त ट्रिब्यूनल और वक्त बोर्ड के सामने है, उनका जो भी मामला है वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है नासिर भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।